हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक और व्यूअर के रिक्वेस्ट पर काम करने वाला हूं। किसी ने कहा था कि सर, ये माइट हैव और मे हैव क्या होता है और इनके साथ थर्ड फॉर्म क्यों लगता है। तो गाइज, आज इस सिचुएशन पर मैं काम करने वाला हूँ। आपको बता दूं कि जो माइट हैव है या मे हैव है, ये मॉडल्स होते हैं। अब इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप प्रेजेंट टाइम में खड़े हैं फ्रेंड्स, एकदम प्रेजेंट टाइम है, और आप प्रेजेंट टाइम में खड़े हो के ऐसा कुछ सोच रहे हैं। जैसे आपने बोला, यार वो घर पहुंच गया होगा। बहुत ध्यान से सुनिए, वह घर पहुंच गया होगा। इट मींस कि कोई व्यक्ति आपके यहां से निकल गया अपने घर के लिए। अब वो घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा आपको पता नहीं है, लेकिन वो यहां से निकल तो गया कि मैं घर जा रहा हूं। अब आप यहां अंदाजा लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं कि हाँ, वो घर पहुंच गया होगा। तो जब ये सिचुएशन आ जाए कि आपको लगता है कि कोई काम हो गया होगा, किसी ने इस काम को कर दिया होगा, आपको पता नहीं है, लेकिन आप सिर्फ एक अंदाजा लगा रहे हैं, यहां पर हम माइट हैव या मे हैव का वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहां पर एक सेंटेंस है, शायद उसने तुम्हारा पेन चुराया होगा। यानी कि किसी ने तो आपका पेन चुरा लिया है, आपका पेन आपके पास है नहीं, पेन चोरी हो चुका है। अब लोग बैठकर अंदाजा लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं कि शायद राम ने पेन चुराया होगा, शायद मोहन ने पेन चुराया होगा, शायद उसने पेन चुराया होगा। ये अंदाजा जब आप लगाएंगे तो इसमें हिंदी आएगा कि कोई काम किसी ने कर दिया होगा, और ये होगा कोई फ्यूचर नहीं है, ये होगा कोई विल भी नहीं है, विल हैव नहीं है, विल से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये है मॉडल्स, ये है माइट हैव और मे हैव। तो प्रेजेंट के अंदर खड़े होकर ये सोचिए कि क्या हो गया होगा, इस तरीके से कोई काम हो चुका होगा उसके बारे में अंदाजा लगाना। एक और सेंटेंस, वह घर पहुंच गया होगा। मैंने बता दिया कि आप अंदाजा लगा रहे हैं कि वो घर पहुंच गया होगा। वह पुलिस स्टेशन गया होगा, आपसे किसी ने लड़ाई की, लड़ाई करने के बाद वो बंदा गुस्से में चला गया, अब आप अंदाजा लगा रहे हो यार पुलिस स्टेशन चला गया होगा। इस तरह के सेंटेंस में आप इस्तेमाल करेंगे माइट हैव और मे हैव का। समझ रहे फ्रेंड्स? तो मैं आपको बता दूं कि क्या डिफरेंस है और होता क्या है एग्जैक्टली। गाइस, माइट हैव आप तब लगाएंगे जब आपके मन में एक शायद की भावना हो। आप श्योर तो बिल्कुल भी नहीं है, अंदाजा आप लगा रहे, लेकिन अगर आपका अंदाजा कम हो, एटलीस्ट 20-30% हो, अंदाजा कम हो, ऐसा लगे कि हाँ शायद उसी ने पेन चुराया होगा, लेकिन बिल्कुल आप 100% आपके अंदर ये फीलिंग नहीं आ रही कि उसने चुराया होगा, लग रहा है कि हाँ यार उसने चुराया होगा, तो वहां पर आप इस्तेमाल करेंगे माइट हैव का। अगर आप मे हैव की बात करेंगे तो इसके अंदर जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, सिचुएशन वही होगा, इसमें चांसेस बढ़ जाएंगे। आप इसको बोल लीजिए कि 50 से ऊपर मान लीजिए, 50-60% मान लीजिए, तो चांसेस इसमें ज्यादा है, माइट हैव में चांसेस कम है। तो बहुत सारे किताबों में इसी थ्योरी पे काम होता है, बट जब अंग्रेज लोग बात करते हैं तो कई बार लोग इंटरचेंजेबली भी कहते हैं कि यार इसकी जगह ये बोल दिया चलेगा, बट माइट में थोड़ा सा कम डाउट करते हैं, मे में आपका डाउट थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो आइए ट्रांसलेट करते हैं, शायद उसने तुम्हारा पेन चुराया होगा। आपको सबसे पहले एक सब्जेक्ट उठाना है, वो सब्जेक्ट कोई भी हो, ही शी इट आई वी यू दे, मॉडल किसी सब्जेक्ट के साथ अलग अलग नहीं लगता है, सबके साथ लगता है, कोई भेदभाव नहीं है। उसके बाद आपको लगाना होगा माइट हैव, जैसे आई माइट हैव, यू माइट हैव, शी माइट हैव, शी माइट हैव, कभी गलती से माइट हैज मत कर दीजिएगा। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि यार शी आ गया तो हैज लगा दो, ऐसा नहीं होगा, सबके साथ माइट हैव होगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, यानी कि जहां ईट है वहां ईटन, गो है वहां गॉन, स्टील है तो स्टोलन, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगाइए। और सिचुएशन वही है कि ऐसा हुआ होगा, अंदाजा लगा रहे, पता नहीं है जी, और भी 20% ऐसा लग रहा है शायद हुआ होगा। तो आप हिंदी में शायद बोलो या ना बोलो, आपके मन में वो शायद की फीलिंग होनी चाहिए, वो परसेंटेज कम होना चाहिए, तभी आप माइट हैव लगाइएगा। आइए ट्रांसलेट करते हैं फ्रेंड्स, उसने तुम्हारा पेन चुराया होगा शायद, मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, ही माइट से करके देखते हैं क्योंकि हमें परसेंटेज कम है हमारे मन में, तो ही माइट हैव
स्टील मतलब चुराना, थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टोलन. ही माइट हैव स्टोलन तुम्हारा पेन, योर पेन. अब सेंटेंस है ही माइट हैव स्टोलन योर पेन, शायद उसने तुम्हारा पेन चुराया होगा, इस तरीके से. अब इसी को अगर मैं मे हैव में बोलूंगा तो इसमें मुझे थोड़ा सा शक ज्यादा है कि हाँ उसने चुराया होगा, शक है. तो ही मे हैव, इसी को आप बोल सकते हैं, ही मे हैव स्टोलन योर पेन. इसमें भी फीलिंग शायद की है बट डाउट ज्यादा है. तो अगर कोई मे हैव करके बोले तो आपको लगेगा कि अच्छा मतलब चांसेस हैं कि उसने चुराया होगा. माइट हैव करके बोले तो चांसेस थोड़े से कम है. एक और है, वह घर पहुंच गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो घर पहुंचा होगा, शायद पहुंचा होगा, एक अंदर से कम लेस चांसेस लग रहे हैं. तो ही माइट हैव रीच्ड होम, ही माइट हैव रीच्ड होम, शायद वो घर पहुंचा होगा. और इधर थोड़ा से ज्यादा चांसेस लगे तो आप कह सकते हैं ही मे हैव reached home. सिचुएशन सेम है, चांस थोड़ा सा ज्यादा है इसके अंदर. वह पुलिस स्टेशन गया होगा, ऐसा मुझे हल्का सा डाउट है कि शायद वो पुलिस स्टेशन गया होगा. तो he might have gone to police station. पुलिस स्टेशन, he might have gone to police station. इसमें क्या होगा, he may have gone to police station. अब अगर ऐसा सेंटेंस हिंदी में लिखा हो, कोई आपसे बोले ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट कीजिए, तो आप सोच नहीं सकते कि मैं might have लगाऊं या may have लगाऊं, क्योंकि दोनों में वही है. हाँ कहीं पर अगर परसेंटेज लिखा हो या लिखा हो कि ब्रैकेट में लिखा हो लेस डाउट लेस चांस है तो आप माइट हैव का अंदाजा लगाएंगे, ऐसे हिंदी लिखा हो तो आप नहीं ट्रांसलेट कर पाएंगे. तो जब आप रियल लाइफ में बोलते हैं तो बोलने वाले को तो पता है ना कि उसके मन में ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कम पॉसिबिलिटी है. तो जब भी आप इंग्लिश में बात करें तो आपके मन को पता होगा कि मैं जो बोल रहा हूं या बोल रही हूं मुझे कितना शक है, कितना डाउट है. जैसे अगर मैं बोलूं कि आपके घर में कुर्सी है और कुर्सी टूटी हुई है, तो किसी ने तो कुर्सी को तोड़ा होगा भैया. अब आपके दिमाग में आता है कि यार शायद चिंटू ने मेरी कुर्सी को तोड़ा होगा, चिंटू नाम का कोई व्यक्ति है जो उस घर में आता रहता है, शायद उसने तोड़ा होगा. और आपको कम डाउट है कि शायद चिंटू ने तोड़ा होगा, तो आप बोल सकते कि चिंटू माइट हैव ब्रोकन दिस चेयर. और अगर किसी और को डाउट नहीं है, चिंटू नहीं, मुझे तो लग रहा है पिंटू ने तोड़ा होगा. अब पिंटू पे थोड़ा सा डाउट ज्यादा है तो पिंटू may have broken this chair. किसी की डेथ हो गई और आपको पता नहीं कैसे हुई, और कोई कह रहा है यार शायद उसने पॉइजन खा लिया होगा, जहर खा लिया होगा, कोई कह रहा है शायद वो पंखे से लटक गया होगा, सबका अंदाजा है, एग्जैक्ट किसी को पता नहीं है. तो इस सिचुएशन में कोई बोलेगा अगर अंदाजा कम है कि he या she might have consumed poison, या he या she might have hanged from the fan, और अगर ज्यादा है तो मे हैव कंज्यूम्ड पॉइजन या मे हैव हैंग्ड फ्रॉम द फैन. तो इस तरीके से आप माइट हैव और मे हैव का इस्तेमाल करते हैं. आई होप क्लियर हो रहा होगा. तो एक छोटा सा वीडियो में लाया था उन व्यूवर्स के लिए जिनको इनमें इसमें कंफ्यूजन है. आई होप ये क्लियर है. सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और व्यूवर के रिक्वेस्ट के साथ. टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन. अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स. थैंक यू गाइज.